नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा इसमें चल रहा है, आज शुरू हो रहे आईपीएल का। जी हाँ, आईपीएल का आज से आईपीएल का स्पोर्ट्स यानी आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट चालू होने जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चित होता है इसमें बुक्की, सट्टेबाजी। पिछले दिनों जिस तरह से थाने जिले में जो है अनिल जसंघाई नामक बुक्की अरेस्ट हुआ है, उसके ऊपर 16,000 करोड़ रुपए का जो है बुक्की खेलने का आरोप लगा हुआ है और उसमें काफी लोग शामिल हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आईपीएल खेल में सट्टेबाजी किस तरह होती है और कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी के पास भी जानकारी है, हम उनसे जानेंगे। सर, क्या लगता है आपको जो आईपीएल का खेल और सट्टेबाजी ना हो? आपने असल में, मैंने आपको बोला था कि ये जो सट्टेबाजी है उसके बारे में आपकी जानकारी ज्यादा है जी, क्योंकि आप 20-25 साल से पत्रकार हैं, क्राइम रिपोर्टर थे, वो भी बड़े बड़े चैनल के थे, तो ये सब बुकी, ये सट्टा बिट्टा उसके मामले में आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो मैं ही आपको इस सवाल का जवाब मेरे अज्ञान से देने के बदले आपके ज्ञान से देना चाहूँगा लोगों को। और आज मैं बोलने के बजाय गिरी साहब को मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मायाजाल क्या है उसके बारे में आप समझा दो, मुझे भी समझा दो और लोगों को भी समझा दो। सर, अभी क्या बोलूँ मैं, सट्टेबाजी का नाम आते ही जो है रोंगटे खड़े होते हैं कि इतने लोग एक एक पैसे लोग तरसते हैं और कुछ लोग जो है उस पैसे से इतना बड़ा गेम खेलते हैं। जिस तरह से लोग सर क्रिकेट इंडिया में जो है, भारत में क्रिकेट को भगवान मानते हैं लोग, भगवान का खेल एकदम, तब लोग रात दिन काम छोड़ के सर उसमें पूरा लीन हो जाते हैं देखने में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन वो सर हारने वाले जीतने में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आपने भी देखा होगा हारने के लोग पैसा ले रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सर बुकी का होता है। बुकी जो है, ये जब आईपीएल सर शुरू हुई तो उस समय बाला साहब ने भी विरोध किया था कि जो ये आईपीएल शुरू हो रहा है ये वाइट कलर, ये जुआ है, वाइट कलर जुआ है, इसमें बड़े बड़े सट्टेबाजी होंगे, क्योंकि सट्टेबाजी अपने यहाँ सट्टा जो है अलाउड नहीं है। सट्टा जुआ जो है इंडिया में अलाउड, लंदन में, बाकी जगह कंट्री में, दुबई वगैरह में सर ओपनली सब सट्टा खेलते हैं। लेकिन सर इनका जो ये जो है प्लेयर के ऊपर हावी हो जाते हैं, एक एक प्लेयर को टीप, उनके इंटीग्रेशन से लोग सट्टा लगाते हैं। लास्ट आईपीएल ये सर गेम है सर, आप देखे होंगे कितने कितने बड़े बड़े गेम चलते हैं और लास्ट बॉल तक सर कौन जीतेगा ये जानकारी बहुत सब लोगों को जानबूझ, वो लास्ट बॉल वाला जो सस्पेंस है वो बुक्की बराबर जानता है। उसको बराबर मालूम है कि कौन सा कौन बॉल कहाँ फेंकेगा और कैसे मारेगा, उसको क्या आउट होएगा, सब कुछ एक एक चीज पे सर। मुझे किसी ने बताया कि सिक्सर और फोर के लिए भी सबके ऊपर एक एक कितना सिक्सर कितना फोर इसके ऊपर भी, कौन प्लेयर कितना सिक्स मारेगा, कौन से बॉल पे मारेगा, कौन से बॉल बाउंड्री लगेगा, कौन प्लेयर कितना रन बनाएगा, इस सारी चीज सब उस पर सट्टे पर लगे लगे। और इसमें आपने ही मुझे वीडियो के पहले बताया कि इसमें पुलिस से लेके बड़े राजनेता से लेके अभिनेता से लेके सब शामिल है सर। अगर मुझे तो अगर अनिल जयसिंघानी एक आदमी 16,000 करोड़ का सट्टा खेलता है तो बाकी लोगों का मिलके तो लाखों करोड़ों का सट्टा खेले होंगे। तो सर ये देखो, महाभारत में भी हमने देखा है कि वो जुआ ही खेल के तो अपना सब पूरा हार चुके थे, और आज भी घोड़ों का रेस जो है वो भी जुआ ही है। शेयर बाजार भी अभी ऐसा ही हो गया है, और ये बैलगाड़ी शर्यत जो हो रही है जी, वो भी महाराष्ट्र में जुआ ही है, परंपरा को जुआ बना लिया, बहुत जुआ है सर। पहले तो जमाने में हाथियों की लड़ाई या दो योद्धाओं की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई पे भी पत्ते के ऊपर तो गली गली में क्लब्स है, तो ये मानना हो कि मेरे ख्याल से मूलभूत अपप्रवृत्ति है जिसका लाभ ये बुकी उठाते हैं। सर मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं, आपने जो जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। इसमें सर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे होती है कि कुछ लोग सर खेलते तो हैं लेकिन बड़े बड़े जैसे कि अपनी प्रॉपर्टी तक हार जाते हैं, प्रॉपर्टी बेच देते हैं, उसमें वो कंगाल हो जाते हैं, रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन उनको खेलना है, वो लगाना है, नशा होता है जो नशा सर है। वो दारू का जैसे व्यसन है ना, वैसा ये भी एक व्यसन है जी, और वो लग गया, लत लग गई तो लग गई, फिर वो आदमी कहीं पे भी जुगाड़ खेलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि सर लॉटरी तो जुगाड़ है, लोग लॉटरी के टिकट लेते हैं जी जी, 500 रुपए का 2,000 रुपए का टिकट है अभी वो भी लेते हैं, जितना पैसा होगा उसमें ले लेते हैं, और बाद में 10 रुपया जीतेंगे कभी तो 100 रुपया तो हारना ही है ना।
वो कैसीनो, सबसे बड़ा मैं कैसीनो में बहुत गया हूँ, मेरे जी मित्र है वो कैसीनो में मुझे कम से कम 25-30 बार लेके गया, लाखों करोड़ों रुपए का व्यवहार वहाँ होता है। मैं लास वेगास गया था, वहाँ पे दिन में कुछ लाख करोड़ का व्यवहार होता है, बैंकॉक क्या और है सर, बैंकॉक में क्या है यही सर? चाइनीज लोगों के लिए उन्होंने अलग सेक्शन बनाया है कैसीनो जी का, क्योंकि वो 1 करोड़ के नीचे वहां लगाना मना है, कम से कम 1 करोड़ लगाना होता है, फिर भी वो फुल रहता है। जी हमारे महाभारत के एक बड़े गायिका हैं, वो पहले अभी नहीं है, वो 6 महीने लास वेगास में रहा करती थी जी और बाद में लंदन में जुआ खेलने के लिए। अरे वो लत लग गई तो लग गई। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जुआ खेलते हैं अलग अलग प्रकार का, और पॉलिटिकल इलेक्शन ये भी अभी जुए के लिए बड़ा मौका है सर, इसके बिल्कुल ऊपर भी जुआ चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जी सर, ये जो सट्टेबाजी चलती है सर, एक बंद कमरे में भी होती है, फोन पे होती है, लेकिन सर पुलिस तो मालूम रहता है, पुलिस पुलिस को पूरी को पूरी हफ्ता पुलिस है ना इसमें, पुलिस चाहती है पुलिस कि भी तुम खेलो। मालूम, यस ये बुगे भी अगर 16 साल से ये कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सबको बांट रहा है पैसा, पुलिस ही बोलती है कि खेलो तुम, तो यस। पुलिस और का आपको क्या एक लगता है बात कि है। सर अनिल सिंघानी को अरेस्ट होने के बाद क्या लगता है, सट्टाबाज नहीं हो पाएगा आईपीएल जी में? जी जी उसने तो ये पूरा सेट करके वो आया रहेगा सर, सर, पूरा प्रोग्राम। 1 लाख नहीं, 1 करोड़ लोग ये सट्टे के मामले में इन्वॉल्व होंगे। जी एक अनिल जयसिंघानी को पकड़ने से थोड़ा बंद होगा, मगर उसकी कमी कुछ लोगों को महसूस होगी, जिनके नेटवर्क में वो था, वो लोग बोलेंगे यार हम तुम, वी नहीं आर सर, मिसिंग यू। नहीं सर, वो सब सेट करके आया रहेगा, जब हाँ, भी वो जब भी सेट करके उसकी आया उसकी बेटी जब होगा, अरेस्ट हुई सेट करके आया होगा, और या आईपीएल चालू उसकी होने जगह वाला लेने है। वाले भी होंगे ना, क्योंकि जी आईपीएल आने से पहले वो आया है हाँ और हमने बोला है कि उसको अरेस्ट नहीं किया, वो सरेंडर हुआ है, जी ये भी तो सरेंडर होने से पहले सब कारनामे करके आया होगा, वो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो मटका किंग है, तो वो मटका किंग तो मर गए, तो उसके बाद भी उनके नाम से मटका चलता है भगत आज भी, कल्याण जी, मटका ये वो आज यस भी चलता है, वो तो कब के गुजर के जी, वो भी गुजर मर्डर गए। में ही है, जी तो इसमें यंग जनरेशन सर पूरी तरह से इन्वॉल्व है, सर, और सभी सभी उम्र के लोग हैं इसमें, ऐसी यंग जी जनरेशन वगैरह कुछ नहीं है, यंग जनरेशन का नशा और है, वो ड्रग्स और इसमें है, जी ये आईपीएल और इसमें, जिनके पास पैसा है या वो व्यसन है उनको, वही है। तो क्या लगता है कि आईपीएल जो है कि ईमानदार वाला खेल मानते हैं आप सर? वो बेसिकली हुआ ही है इसके लिए कि जुआ खेले लोग, और सरकार भी चाहती है कि खेलो जुआ, तभी तो पॉलिटिशियन को पैसा मिलेगा। अभी इलेक्शन आ रहा है, जी उसमें इन लोगों का पैसा मिलेगा ना उनको, सबकी मिली भगत है। धन्यवाद सत्यजी। तो हम चर्चा कर रहे थे आज से शुरू हो रहे आईपीएल, आईपीएल पे लगने वाले जुए, और जुए के पहले जो है गिरफ्तार एक सट्टेबाज यानी अनिल जयसिंघानी का गिरफ्तारी आईपीएल पर कितने यानी धंधे पर असर होगा कि नहीं, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और आप क्या मानते हैं इस विषय पर, हमें अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।